नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 अगस्त को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खिलाड़ियों का कुंभ आयोजित करने की घोषणा कर दी है। इन खिलाड़ी कुंभ में टोक्यो ओलंपिक के सभी पदक वीरों के साथ ही सभी प्रतिभागियों को सरकार बतौर प्रोत्साहन पुरस्कृत और सम्मानित करेगी। इस आयोजन में खेलों के कोच को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी 75 जिलों से 75 खिलाड़ियों को भी इसमें विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार अपने पूरे संसाधनों के साथ खिलाड़ियों के साथ है। जहां और जिस तरह के संसाधन प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी, सरकार उसे मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में मंदिर और पूर्वांचल खेल विकास मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित खिलाड़ियों के सम्मान समारोह को संबोधित करेंगे। यूपी के जालौन में जालसाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। ये गिरोह अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। ये गिरोह अपने साथियों के साथ मिलकर खाताधारकों को बहला फुसला कर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लालच देकर उनके ATM कार्ड और पासबुक को अपने जान पहचान के साथियों को दे देते थे। ये गिरोह OLX और गूगल पर अपने नंबरों को कस्टमर केयर के नाम पर अपडेट कर देते थे। फिर एनी डेस्क, मालफेयर और अन्य ऐप के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनके खाते का रुपया अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते थे और फिर अलग अलग शहरों के ATM से पैसा निकाल लेते थे। वहीं पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 40 ATM कार्ड, बैंक पासबुक और 6 चेकबुक, 3 मोबाइल फोन और 12,000 रुपए और एक लग्जरी कार भी बरामद कर ली है। तो जालौन का एक पूरा मामला है जहाँ पर जालसाजों का पर्दाफाश किया गया है। सरकारी योजनाओं के नाम पर ये लोग ठगी किया करते थे, कस्टमर केयर की जगह अपना नंबर अपडेट किया करते थे। ये काल्पी कोतवाली में, जैसा आपको पहले भी जानकारी दिया था हमने आपको, कुछ दिन पहले ये ATM से फ्रॉड करके विभिन्न बैंकों से पैसा निकालने वाले, एक तरह से साइबर ठगी करने वाले गैंग के सदस्यों को पकड़ा गया था। उसी के क्रम में ये अभियान चल रहा था, उनके साथ ही हैं ये एक दूसरे को जानते हैं और पूरी गैंग है। ये बचे हुए थे, ये सुमित उर्फ कल्लू, ये यही जालौन काल्पी का है, और शिवराम साहू ये भी काल्पी का है, और मोहम्मद फरमान ये गुराव थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात का, ये तीन पकड़े गए हैं आज। और इनके पास से 40 अदद ATM और डेबिट कार्ड, विभिन्न बैंकों के 7 अदद पासबुक, 6 अदद चेकबुक, 3 अदद मोबाइल फ़ोन और 1280 रुपये नकद, व 1 अदद बेजा रंग लाल रंग की कार है, UP 92AD 0257। अमेठी के जगदीशपुरा कोतवाली क्षेत्र में गोमती नदी में नाव पलटने से 5 लोग नदी में डूब गए। वहीं मौके पर मौजूदा गोताखोरों ने आनन फानन में नदी में कूदकर 4 लोगों की जान बचाई, जबकि एक 10 साल की बच्ची नदी में डूबने से लापता हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से बच्ची को ढूंढने की कोशिशों में लगी हुई है। फिलहाल अभी तक बच्ची का पता नहीं लग पाया है। तो नाव पलटने से 5 लोग नदी में डूब गए, जिसमें एक 10 साल की मासूम भी बताई जा रही है, जो कि अभी लापता है, जिसकी छानबीन की जा रही है, लेकिन अब तक उसका पता नहीं लग पाया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नाव पलटने से हादसा हुआ, आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद गोताखोरों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन 10 साल की मासूम का पता नहीं चल पाया है, जिसकी तलाश अब भी की जा रही है।
तो नाव पलटने से 5 लोग नदी में डूबे हैं। ये पूरा मामला आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जिसमें 10 साल की मासूम जो है वो लापता बताई जा रही है, जिसकी तलाश अब भी की जा रही है। आपको बता दें कि इन दिनों बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नदियां उफान पर हैं। लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि वो अपनी जान को जोखिम में ना डालें, फिलहाल नाव से ना चलें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। ये पूरा हादसा हुआ जहाँ पर 5 लोग नाव पलटने से नदी में डूब गए। गाजियाबाद के कविनगर के शौर्यपुरम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बिल्डर द्वारा बिजली पानी ना देने को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एडीएम सिटी को पूरे मामले की जानकारी दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने धोखाधड़ी कर फ्लैट बेच दिए हैं, पर यहां बार बार बिजली काट दी जाती है। दरअसल बिल्डर द्वारा बिजली विभाग का बिल ना जमा करने के चलते बिजली काट दी गई, जिस वजह से सोसाइटी में रहने वाले करीब 300 परिवार कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। वहीं बिजली कट जाने की वजह से ना तो सोसाइटी में पानी है, ना बच्चों की क्लास चल पा रही है। साथ ही ये लोग उमस भरी गर्मी में बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। इस वजह से सोसाइटी के सभी सदस्यों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और अपर जिलाधिकारी को पूरे मामले से अवगत भी करा दिया है। साथ ही सभी ने चेतावनी दी है कि यदि जिला प्रशासन और बिल्डर सोसाइटी के लोगों की अनदेखी करते हैं तो आने वाले समय में सभी लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। गाजियाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर बिल्डर के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा जा सकता है। करीब 300 परिवार ये बताए जा रहे हैं जिन्हें ना तो बिजली मिल रही है और ना ही पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। शौर्यपुरम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि बिल्डर ने फ्लैट बेच दिए थे और ऐसे में 300 परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन इतनी मोटी रकम खर्च करने के बावजूद भी ना तो इन्हें पानी मिल पा रहा है, ना ही बिजली मिल पा रही है, जिसकी समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। ऐसे में ना तो बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है और कई तरह की परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। तो बिल्डर के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बिजली की समस्या के चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है और कहा है कि आने वाले समय में अगर प्रशासन और बिल्डर उनकी अनदेखी करता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, सड़कों पर ये पूरा परिवार उतरेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। इस प्रदर्शन में इन बच्चों को लेकर भी परिवार जो है वो बाहर निकले हुए हैं। इस उमस भरी गर्मी में बिना बिजली और पानी के ये परिवार जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो गाजियाबाद के शौर्यपुरम का एक पूरा मामला है जहां पर शौर्यपुरम कॉलोनी में करीब 300 परिवार ये बताए जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान हैं और बिल्डर के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल जिस बिल्डर ने इन्हें फ्लैट भेजे थे उन सभी परिवारों की समस्याएं जो है बढ़ रही हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ना यहाँ पानी मिल पा रहा है, ना ही बिजली मिल पा रही है, जिसकी वजह से आम जनता परेशान है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है जिलाधिकारी को। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है इनके द्वारा कि आने वाले समय में अगर अनदेखी की गई तो आने वाले समय में इनका आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो सकता है, सड़कों पर ये उतर सकते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है क्योंकि बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की नहीं हो पा रही है। मैं A94 फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है। यहाँ हम सुबह से पानी को लेकर के परेशान हैं, बिजली नहीं है। हमारे यहाँ सुबह 5 बजे से लाइट कटी हुई है। हमारे छोटे बच्चे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ना ही खाना बन रहा है, ना ही साफ़ सफाई का काम है, बच्चे ना नहा पा रहे हैं, वॉशरूम जाना है तो नहीं है, पानी नहीं है हमारे यहाँ। बहुत सारी दिक्कतें हैं, हर चीज़ तो हमारे पानी से है। डिहाइड्रेशन हो रहा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है। बिल्डर से हम आज से नहीं, हम जब से अपने घर में आए हमने अपनी हर पूंजी लगा दी है, कंप्लीट है। जो भी कहा है, जैसे भी कहा, हमसे एक्स्ट्रा पैसे भी लिए हैं बिल्डर ने। हमारी अपना घर है, हमने सारी पूंजी लगाई, हम छोड़ के कहाँ जाएंगे यहाँ से। मेरा नाम नेहा है और मैं D70 में रहती हूँ। और सुबह से लाइट नहीं आ रही है, 3 साल से यही चक्कर चल रहा है। आए दिन ये कम ज़्यादा लाइट होती है, कभी पावर कम कभी पावर ज़्यादा। इस चक्कर में हमारे आधा से ज़्यादा तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खराब हो चुके हैं। ठीक है, वो भी चलो कोई बात नहीं कि कम से कम कुछ तो लाइट आती है, हम मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद ऑफिस चल रहा है, दिन में अचानक से लाइट कट जाती है, ऑफिस से कॉल आ रहा है कि आप ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, क्या इशू आ रहा है, हम वो भी नहीं कर रहे। मेरा नाम सार्थक है, सार्थक सिंह राठौर, और मैं शौर्यपुरम में रहता हूँ। यहाँ पे इतनी बिजली का चक्कर है कि हम ठीक से रह तक नहीं पा रहे, हम नहा ना पाते हैं। और पता है,
पानी की सॉरी वो बिजली की वजह से पानी तक नहीं आता, तो हम पानी से ही तो हम जीते, पानी हमको पीने के लिए नहीं मिलता। ज्यादा परेशान है छोटे छोटे मासूम बच्चे भी, ये समझ रहे हैं कि पानी कितना जरूरी है। और सिंगापुर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या ये पूरा मामला है और कितने सालों से यहाँ की जो जनता है परेशान है? देखिए गाजियाबाद के सवेरिया थाना क्षेत्र के सौरेपुरम रेलवे बिल्कुल जितेंद्र, ये जो बिल्डर है ये कौन बताए जा रहे हैं और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? क्योंकि जिस तरह से लोगों को हमने सुना तो लोगों का ये कहना है कि वो एसडीएम को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। शायद कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा है, मेरे सहयोगी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये खबर आपको बता दें कि गाजियाबाद के शौर्यपुरम की है, जहां पर 300 परिवार बताए जा रहे हैं जो काफी ज्यादा परेशान हैं। 300 परिवार ऐसे हैं जो कि पिछले कई सालों से, जैसा कि अभी आपने सुना जो महिलाएं थी वो कह रही थी कि 3 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, कभी पानी की समस्या होती है, कभी बिजली की समस्या होती है, बिजली ना आने से पानी नहीं आता है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो पानी की वैल्यू जानते हैं, लेकिन शायद जिन बिल्डर्स ने उन्हें फ्लैट बेचे हैं और उनकी पूरी जमा पूंजी ले ली, उसके बावजूद भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान है। आगे कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, ना तो ऑफिस जाना होता है, ना तो बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, ना ही जो घर के काम काज होते हैं वो हो पा रहे हैं। जैसा कि पानी और बिजली सबसे ज्यादा जरूरी है, आधुनिक भारत में हम रह रहे हैं और आधुनिक लगातार हो रहे हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हम मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ पूरी तरह से आगे आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर बिजली नहीं आएगी तो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो इंसान अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है? लेकिन ये 300 परिवार हैं जो कि पिछले 3 सालों से, महिलाओं का कहना है कि पहले तो बिजली आती थी लेकिन कभी पावर कम होती थी, कभी ज्यादा होती थी, हम मैनेज कर रहे थे, लेकिन पिछले कई दिनों से तो ऐसा हो रहा है कि बिजली बिल्कुल नहीं आ रही है, जिसकी वजह से छोटे छोटे मासूम बच्चे भी परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो परेशान हैं, उनका ऑफिस भी छूट रहा है क्योंकि वो लगातार चक्कर काट रहे हैं, कभी प्रशासन के चक्कर काटते हैं, कभी बिल्डर के चक्कर काटते हैं, कभी वो सोसाइटी से कॉल करते हैं लेकिन कोई कॉल अटेंड नहीं होता, ऐसी तमाम समस्याएं इनके सामने आ रही है। गाजियाबाद जो कि दिल्ली से महज कुछ ही किलोमीटर दूर है, वहां पर हालात ऐसे हैं। और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि यहाँ पर अब पिछली सरकारों के मुकाबले हम लगातार बिजली की जो बढ़त है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली जो है अब उत्तर प्रदेश में 18 घंटे कम से कम आती है, लेकिन गाजियाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ है उसकी एक कॉलोनी शौर्यपुरम में बिजली नहीं मिल रही है लोगों को। ऐसे में आखिर किससे सवाल करें, किससे पूछें कि क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती, कोई आश्वासन हमें नहीं मिलता, तब तक हम यूं ही प्रदर्शन करते रहेंगे और आने वाले समय में ये प्रदर्शन और ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो गाजियाबाद के शौर्यपुरम का एक पूरा मामला, जहां से इस तरह की तकलीफें लोगों को होती हुई नजर आ रही है। मेरे सहयोगी जितेंद्र एक बार फिर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या समस्या आ रही है, कितने सालों से ये परेशानी बनी हुई है लोगों के साथ और बिल्डर्स क्यों सुनवाई नहीं कर रहे हैं? देखिए काजल, आपको बता दें गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र के शौर्यपुरम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने बिल्डर द्वारा बिजली पानी नहीं देने को लेकर जमकर विरोध किया है, प्रदर्शन जाहिर किया है, अपना एडीएम सिटी से मिले, एडीएम सिटी को अपना ज्ञापन भी सौंपा है। 300 फैमिली है जिनकी बिजली और पानी काट दी गई बिल्डर के द्वारा। बिल्डर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भुगतान नहीं किया गया, जबकि फैमिली का कहना है कि पूर्ण रूप से भुगतान किया जाता रहता है और जिस तरीके के खर्चे वहन किए जाते हैं एक सोसाइटी के द्वारा वो पूरी तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बिजली काटी गई है, पानी काटी गई है। कोविड के इस दौर में मासूम बच्चे त्राहिमाम कर रहे हैं और इस दौर में अब जब एडीएम शैलेंद्र सिंह से मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ सांत्वना दी है इन परिवारों को और साफ तौर पर ये कहा है कि इन सभी लोगों पर, जो कि अगर साबित होता है कि ये गलत किया गया है, तो इन पर कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि अब जो लोग वहां से लौटे हैं एडीएम दफ्तर से, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब लग रहा है कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन बिजली अभी भी नदारद है, बिजली नहीं आई है, पानी नहीं है, मासूम बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको बता दें कि जिस तरीके से विद्यालय यानी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और कोविड के दौर में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जा रही है, तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जाहिर तौर पर फोन की जरूरत होती है, मोबाइल, समस्याएं बहुत ज्यादा है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। कितने परिवार ये बताए जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़े जो है खबर में वो ये दिखा रहे हैं कि करीब 300 परिवार हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। एडीएम से बात की है, एडीएम द्वारा कोई आश्वासन दिया गया परिवारों को? तकरीबन 300 परिवार हैं जो कि शौर्यपुरम सोसाइटी में रहते हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि शुरू से ही बिल्डर के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है इनको, और अब एडीएम से जब मिले हैं शैलेंद्र सिंह से, उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस पर ये तरीके की कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन अगर ये सब साबित होता है, क्योंकि बिल्डर पर जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, जाहिर तौर पर यह भी कहा गया है कि बिल्डर के द्वारा फर्जी तरीके से फ्लैट बेचे गए थे, और अब देखने वाली बात यह होगी कि एडीएम की जांच में क्या खुलासा होता है। जी काजू, बिल्कुल, अगर जितेंद्र यहाँ पर बिल्डर्स की बात की जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है, जो सोसाइटी है वहां पर इस तरह की दिक्कतें पहले भी आ चुकी हैं। कई बार हमने देखा है गाजियाबाद में और नोएडा में अवैध तरीके से जो बिल्डर्स है वो मकान बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, बेच देते हैं, आगे जो परिवार इसमें रहते हैं वो चाहे जिस भी परेशानी से जूझ रहे हो, लेकिन बिल्डर्स जो है भागते हुए नजर आते हैं। योगी सरकार पूरी तरह से ऐसे लोगों पर एक्शन ले रही है, तो यहां कब तक एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि योगी सरकार में 18 घंटे से ज्यादा बिजली जो है मिल रही है, तो इन परिवारों को क्या कसूर है, नहीं क्यों नहीं मिल रही है 18 घंटे बिजली? और ये कहा है कि जल्द ही गिरफ्तारी भी की जाएगी अगर आरोपी पर आरोप साबित होते हैं, हालांकि जांच की विषय है, बड़ा जांच होगी और तब पता चलेगा कि किसकी गलती ज्यादा है। जिस तरीके से 300 परिवार लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि बिल्डर की वजह से उन्हें खासा परेशानी हो रही है, और अब देखने वाली बात यह होगी कि एडीएम के द्वारा क्या जाँच की जाती है, जाँच में क्या खुलासा होता है, कब तक बिल्डर को दंडित किया जाता है। जी जितेंद्र, क्या जो बिल्डर्स हैं उनसे कोई बात हो पाई है, वो परिवारों से मिले हैं, क्या आश्वासन बिल्डर्स की तरफ से कोई दिया गया है, या सारी जो गलती है यहाँ पे बिल्डर्स की नजर आ रही है, और शैलेंद्र सिंह जो कि एडीएम है सिटी के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तक वो कार्रवाई करेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है जिसमें जांच के लिए कहा गया है, और जाहिर तौर पर शैलेंद्र सिंह अपने आप में एक काम करने वाले अधिकारी माने जाते हैं, गाजियाबाद में ही पोस्टेड है और काफी समय से पोस्टेड है, और उनके द्वारा लगातार कई ऐसे मामलों को खोला भी गया है, तो शैलेंद्र सिंह अपनी एक ऐसी निष्ठावान अपनी यू कह सकते हैं पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं, और उनके द्वारा लगातार कई और भी मामले खोले गए थे, तो और अब जब ये मामला उनके सामने आया, जाहिर तौर पर मैं बात की गई है उन परिवारों से, और परिवारों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि जांच की जाएगी, और जांच में जिस तरीके से पता चलता है कि बिल्डर की गलती है या नहीं है, किस तरीके से किस मानकों पे रजिस्ट्री की गई थी, रजिस्ट्री फेक थी या नहीं थी, अभी कई पहलुओं पर जांच होनी बाकी, और बिल्डर की जांच में ही जो जिस तरीके से एडीएम सिटी है शैलेंद्र सिंह उनकी जाँच में ही खुलासा हो पाएगा कि कौन आरोपी है। फिलहाल 3 दिन का समय मांगा गया है, और देखने वाली बात ये होगी कि एडीएम सिटी किस तरीके की जाँच करते हैं, जाँच में क्या आ रहा है। जी चलिए जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो गाजियाबाद के शौर्यपुरम का एक पूरा मामला है जहां पर करीब 300 परिवार ऐसे हैं जो काफी ज्यादा परेशान बताए जा रहे हैं, और परिवारों की तरफ से कहा जा रहा है कि बिल्डर्स उनकी नहीं कोई सुनवाई कर रहा है, पिछले 3 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन 3 साल से समस्याएं लगातार बनी हुई है, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से जरूर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब 18 घंटे से ज्यादा बिजली लोगों को मिलती है, लेकिन ये परिवार ऐसे हैं जिन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है, इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान है। आने वाले समय में हालांकि आश्वासन एडीएम द्वारा उन्हें दिया गया है, लेकिन इस पर कब तक कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि ये आने वाले समय में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। मथुरा आगरा में वायुसेना पैराशूट्स की तरफ से देश की स्वतंत्रता के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2021 से 2 दिन पहले शत्रुजीत ब्रिगेड की तरफ से स्वतंत्रता के 75 साल का उत्सव मनाया गया। भारतीय वायुसेना ने खुले आसमान में अपनी क्षमता दिखाई है। 15 अगस्त 2021 को देश की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में वायुसेना के 75 पैराट्रूपर्स ने
9000 फुट ऊपर से हवाई जहाज से कूदकर खुले आसमान में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिखाया है कि वो शत्रु से आसमानी लड़ाई में किस तरह का मुकाबला कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रदर्शन को देख सभी नागरिक तारीफ करने लगे हैं। तो आजादी के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। वायुसेना का साहस भरा प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। मथुरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो सेना है वो पूरी तरह से आजादी के जश्न की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। तो मथुरा की तस्वीरें आपको बता दें कि देश इस साल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश पूरी तरह से तैयार है, सुरक्षा चाक चौबंद पूरी तरह से कर लिए गए हैं। मथुरा की बात की जाए तो मथुरा में भी सेना पूरी तरह से तैयार है। वायुसेना का साहस भरा प्रदर्शन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक शराब तस्कर घायल हो गया। वहीं भाग रहे दूसरे बदमाश को पुलिस ने कॉम्बे के दौरान पकड़ लिया। पकड़े गए शराब तस्करों से ट्रक में छुपाकर लाई जा रही 50 पेटी अवैध शराब, 2 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने घायल शराब तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये शराब तस्कर हरियाणा से शराब की तस्करी कर अन्य राज्यों में शराब की सप्लाई करते थे। घायल तस्कर पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। आपको बता दें कि रात को पुलिस को सूचना मिली कि शराब तस्कर ट्रक में शराब छिपाकर हरियाणा से ग्रेटर नोएडा के रास्ते कहीं शराब तस्करी करने जा रहे हैं। इस सूचना पर बीजाटू पुलिस होंडा सिटी गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो रुकने के बजाय चालक ने ट्रक भगाने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने जब ट्रक का पीछा किया तो शराब तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए जिसमें एक शराब तस्कर के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने इसे कॉम्बिंग के दौरान पकड़ लिया। देखिए 15 अगस्त के मद्देनजर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा पूरे कमिश्नरेट में जगह जगह लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज बीटा टू पुलिस होंडा चौक पे जब चेकिंग कर रही थी एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। जो भी बाहर के आने वाले वाहन हैं उनकी भी लगातार चेकिंग की जा रही। इसी क्रम में इस ट्रक को रोका गया तो इसने बहुत तेज़ी से बढ़ा करके ATS गोल चक्कर की तरफ भागा और ATS गोल चक्कर के पास आने के पश्चात इसने ट्रक को छोड़कर इसमें जो बदमाश सवार थे उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी फायरिंग में काउंटर एक्सचेंज में एक बदमाश ओमवीर उसके पैर में गोली लगी है जिसे जिला अस्पताल भेजा गया है। ट्रक की चेकिंग की गई तो ये लोग एक 12 टायर ट्रक है जिसमें एक केबिन बनाए हुए हैं और उस केबिन में इन लोगों ने शराब 50 पेटी ऑफिसर च्वाइस शराब है ये हरियाणा ब्रांड की बनी हुई है ये लोग इस ट्रक में इस प्रकार भर करके तस्करी करते हैं। पूर्व में भी ओमवीर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। इसका एक साथी कॉम्बिंग के दौरान राहुल गिरफ्तार किया गया है। जो ट्रक स्वामी है और जो मेन शराब तस्कर है जिसके दिशा निर्देश पर जिसके टीम के मेंबर हैं वो अवनीश आगरा का रहने वाला है वो वांछित है। वो ट्रक के आगे आगे छोटी गाड़ी लेके चलता है। पुलिस टीम को देख करके वो पहले ही भाग गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इनके अन्य आपराधिक मुकदमे पता किए जा रहे हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस और शराब तस्करों में मुठभेड़ हो गई जिसमें 2 शराब तस्कर पकड़े गए हैं। इनके पास से 50 पेटी अवैध शराब, तमंचा और कई तरह की चीजें बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी की हुई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि राजस्थान से तस्कर जो है वो शराब उत्तर प्रदेश में सप्लाई करने के लिए जा रहे थे लेकिन पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। पर्यटन मंत्रालय 12 एपिसोड की एक श्रृंखला लेकर आया है जो आपको आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अतुल्य भारत की एक आभासी यात्रा पर ले जाएगा। पर्यटन मंत्रालय भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ AIU के सहयोग से श्रृंखला शुरू करने जा रहा है। हर एपिसोड भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कई विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा और अतुल्य भारत के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में 20 मिनट की फिल्म इंडिया 75 जर्नी की
लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा होगी। वहीं कार्यक्रम के समापन के बाद प्रतिभागी वेबिनार के दौरान दिखाई गई फिल्म पर आधारित प्रश्नोत्तरी का प्रयास भी कर सकेंगे। ये क्विज वेबिनार समाप्त होने के बाद 3 घंटे के लिए खुला रहेगा। वहीं प्रतिभागियों में से सबसे तेज 1000 विजेताओं की भागीदारी, प्रमाण पत्र और सरप्राइज पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय इस साल 12 मार्च से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जहां मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यकाल, यात्रा, व्यापार और आतिथ्य क्षेत्र, गाइड छात्रों और आम जनता की भागीदारी के साथ विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। हेरिटेज वॉक, वॉकथॉन, साइकिल रैली, फोटो प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग प्रतियोगिता, फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव सत्र जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन पूरे भारत में किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव में मंत्रालय बच्चों और युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि वो भारत के गौरवशाली अतीत और भव्य भविष्य से परिचित हो सके। यूपी के सरधरा में 2 युवतियों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये दोनों शव नानू रतौली मार्ग पर एक नाले किनारे पड़े मिले। दोनों युवतियों की उम्र करीब 25 से 28 साल के बीच बताई जा रही है। वहीं पहनावे से दोनों युवतियों के कपड़े तिब्बती लिबास की तरह लग रहे हैं। हालांकि पुलिस ने युवतियों की शिनाख्त कराने की काफी कोशिश की, पर युवतियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो युवतियों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि यूपी के सरधरा का ये पूरा मामला है, फिलहाल शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ग्रेटर नोएडा की कमिश्नरेट पुलिस ने जिले में कई जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग अभियान 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर चलाया गया है। इस अभियान के दौरान ज्वाइंट कमिश्नर लव कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में चेकिंग की। इस दौरान ओयो होटल, मॉल, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाली जगहों की चेकिंग की गई, साथ ही संदिग्ध लोगों और वाहनों की भी तलाशी ली गई है। आपको बता दें कि चेकिंग अभियान पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देश पर चलाया गया है। पंद्रह अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट पुलिस का ये चेकिंग अभियान है, जहां पर मॉलों और होटल्स, साथ ही साथ वाहनों की भी सघन चेकिंग की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।